गुड मॉर्निंग इंडिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे सभी प्यारे दोस्तों। मैं एसपी शुक्ला, आप सभी मित्रों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार प्रत्येक दिवस आपकी सेवा में लेकर के आता है 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए साबित होगा राम बाण, उसी का ये सेट नंबर 20 है। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो आप जाके डेली जीके के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मित्रों आपको बता देना चाहूँगा, आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक को एसपी शुक्ला एजुकेट सर्च करके वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं पेज को भी और फेसबुक फ्रेंड पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए या भी आपको आगामी बहुत सारे एग्जामिनेशंस का पीडीएफ चाहिए, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आप सर्च करिए एसपी शुक्ला स्पेस दीजिएगा, एजुकेट सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और ऐसे हमारे चाहने वाले दोस्त जो आज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सूरज की पहली किरण के साथ, एसपी शुक्ला के साथ पहले क्वेश्चंस पे करते हैं चर्चा परिचर्चा और जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है? भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है शुष्क स्थिति में। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता कहने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है कौन सी स्थिति में? शुष्क स्थिति में। तो मेरे मित्र, आपको बताना चाहूँगा, मानव शरीर की प्रतिरोधकता शुष्क स्थिति में 10^5 ओम होता है। कितना होता है? 10^5 ओम होता है। यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। यानी 10^5, यानी 1 लिख करके 5 टाइम्स क्या किया जा सकता है? 0 लगा के ओम भी लिखा जा सकता है। तो ये भी प्रश्न का अगर ऑप्शन में ऐसा होगा तो ये भी सही होगा, वैसा है तो ये भी है। अच्छा देखो, दो तरीके से यहां पर ये शुष्क स्थिति में पूछा है, इसका मतलब है और कोई सिचुएशन होती होगी, और कोई स्थिति भी होती होगी। वो जो दूसरी स्थिति होती है उस स्थिति को कहते हैं आद्र स्थिति, उसे भी नोट कर लीजिए मेरे सभी मित्र। आद्र स्थिति, आद्र स्थिति में कितना होता है भैया? 10^3 ओम, ओम को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। 10^3 ओम का मतलब 1000 ओम हम लिख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन चाहे पूछेगा शुष्क स्थिति में तो 10^5 ओम, अगर आपसे यही आद्र स्थिति में पूछता तो 10^3 ओम होता है। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो आपको पता है ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है। पहली चीज तो ये जान जाइए, क्या है ये? एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी और डीसी आपने पढ़ा होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का वोल्टेज बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे मित्र, आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चाहे आप हिंदी में भी लिख लीजिए, नहीं हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहेंगे सर क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी जिसमें क्या होता है अप की स्थिति आपको पता है उच्च है यानी होता है, जो विद्युत धारा वोल्टेज बढ़ाते हैं। तथा उसके बाद होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, का मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी जिसमें क्या होगा वहां अप होगा, यहां पर क्या होगा डाउन होगा। डाउन का मतलब गिरना, जो विद्युत धारा का वोल्टेज कम करते हैं, यानी एक बढ़ाता है और एक घटाता है, दो होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज को घटाने, किसको भैया, एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया मेरे मित्र। किसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आशा करता हूं कि आप सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। एक इसी से सटा हुआ प्रश्न पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं, जैसे आपसे कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन, किसकी बात किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो उस मशीन का नाम है विद्युत मोटर। कौन सा मोटर फ्रेंड्स, विद्युत मोटर। आपसे कई मरतबे पूछा हुआ था प्रश्न, इसीलिए हमने इस पर चर्चा कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है, यदि किसी दंड चुंबक का मतलब भैया इंग्लिश वाले सुमी गुप्ता जी समझ लीजिएगा, बार बार आप समझिएगा, बार मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बार मैग्नेट। दंड चुंबक कहने का मतलब बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी ध्रुवीय शक्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी परिवर्तनशील नहीं होगी, यानी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कारण क्या है, जो कारण आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये भैया समझिए, यदि किसी चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक के समान व्यवहार करेगा, अर्थात उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, यानी काटने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसके सेहत पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, क्या कह रहा है, सिलिकॉन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं जितने भी प्रश्न लाता हूं आपको बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये प्रत्येक प्रश्न आप देखिएगा आगामी एग्जामिनेशंस में देखिएगा, एक नया कीर्तिमान रचेंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे यदि आप रेगुलर वे में सभी पार्ट्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा सामंजस्य है, सबसे बड़ा जो सिलेक्शन है वो यही है कि प्रत्येक दिवस आपको अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी भी क्वेश्चंस आपको मैच नहीं करेंगे। इसलिए क्वेश्चंस का संकलन, दिन प्रतिदिन 10-10 प्रश्नों का संकलन ये आपको एक ऐसी बुलंदियों पर लेकर जाएगा, ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए क्वेश्चंस को भी गौर करते चलिएगा। और इसका पीडीएफ जरूर आप एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, उसके लिए ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक खोलिए और उसके बाद ज्वाइन कर जाइए। ओके आइए, सिलिकॉन क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी अच्छा प्रश्न था, सिलिकॉन क्या है या SI जिसको कहते हैं, तो ये एक अर्धचालक है, सिलिकॉन SI कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, SI का नाम आपने सुना होगा, सिलिकॉन SI पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। एक तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, दूसरा सबसे, क्वेश्चन के साथ लिखिए, दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो एक प्रश्न ये भी निकल गया, अर्धचालक, अर्धचालक भैया, अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
सेमीकंडक्टर्स। देखिए इसका जवाब देंगी आपको आभा रानी। कौन देगा भैया जवाब? आभा रानी जी जवाब दीजिए। अर्धचालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालकों यानी कंडक्टर से कम, परंतु अर्धचालकों का कहने का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर से अधिक होती है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस प्रश्न पर चर्चा आपसे किया। एक प्रश्न इसी से सटा हुआ, इसी से लगा हुआ अगर चर्चा कर लें, आपसे पूछा जाता है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। देखिए बदलने वाले पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। किसको बदलता है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है भैया? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए मैंने इसको भी रख दिया। यानी प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल होता क्या है, कई सारे बच्चों सोचोगे, तो फोटोवोल्टेइक सेल जिसको बोलते हैं, या सोलर सेल भी कह सकते हैं। सोलर मतलब सूर्य, सेल मतलब, समझ ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ये एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे आप यूपीएसआई की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, लेखपाल की कर रहे होंगे, आप आने वाले एग्जाम में चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न फिक्स है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बस इतनी सी बात जानी, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह, प्रवाह का मतलब आने जाने को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। इसको इंग्लिश में COULOMB कहते हैं। ये बी क्या होता है? साइलेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? बी साइलेंट होता है। इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादा तेज ना बनना कि कूलाम्ब होता है, कूलाम्ब नहीं, शुद्ध कूलाम होता है बी, क्योंकि साइलेंट होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी आपने या नकारात्मक कह लीजिए, ऋणात्मक कह लीजिए, जैसे आप अपना चेक करते हैं पॉजिटिव निगेटिव, वो उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक, चालक को मतलब आप समझ रहे हैं, अतिचालक है यानी ऐसा पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, अतिचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? SUPERCONDUCTOR, सुपर कंडक्टर। अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर कहलाता है। एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, पारा Hg से डिनोट करते हैं, सीसा Pb, लेड से डिनोट करते हैं, Pb हो गया, ये प्रमुख अतिचालक हैं। अब क्वेश्चन क्या करें, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक जो होता है इसका जो लक्षण होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो भैया आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना सी, शून्य प्रतिरोधकता। यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब क्या हो गया फ्रेंड्स? सी हुआ। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक दो प्रश्न और चर्चा करता हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए
तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तड़ित चालक का मतलब क्या होता है? लाइटिंग रॉड और लाइटिंग कंडक्टर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिए। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की बात करेगा तो इसमें लोहा तथा तांबा का प्रयोग किया जाता है, पहला प्रश्न। एक दूसरा प्रश्न आपसे अगर कहे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो भैया प्रत्यावर्ती धारा को चेंज किया जाता है दिष्ट धारा में किसके द्वारा किया जाता है? तो उसको कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं भैया? दिष्टकारी द्वारा। अब भैया इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे दिष्टकारी क्या, हिंदी वाला तो बड़ा जुगाड़ सेट कर जाता है, जो होता है वो दिष्ट कर देगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर, लिख लो भैया, RECTIFIER, रेक्टिफायर, RECTIFIER, रेक्टिफायर। वैसे स्पेलिंग यही होती है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो भैया टेंशन ना लेना, मैं हिंदी का भाषा हूँ, इंग्लिश का भाषा नहीं। ओके, आगे चलता हूँ। वैसे सही होगा, गलत होने का बहुत कम चांस होता है, फिर भी ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आप जानते रहिए। आइए, अच्छा नहीं चला आगे, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। अच्छा आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भैया जान जाओ, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। क्या होता है? घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार मित्रों, आप सभी जितने भी लाइव चैट पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, यह दैनिक शो जो आपकी सेवा में प्रत्येक दिवस सुबह के 5 बजे सूरज की पहली किरणों के साथ SP शुक्ला एजुकेट परिवार आपके लिए लेकर आता है, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, अगर अच्छा से चल रहा है तो प्लीज एक बार थंब का निशान दें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? वैसे मैंने पिछली क्लास में इस तरीके के एक प्रश्न पर बहुत विधिवत चर्चा किया हुआ है, फिर भी आपको बता देना चाहूंगा, ध्वनि की तीव्रता लोगों की बातचीत के प्रकार पर निर्भर करती है। अब जब दो लोग बात करते हैं तो उसको फुसफुसाहट कहते हैं, कहते हैं और बताओ भैया क्या करते हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं, तो ये फुसफुसाहट होती है। फुसफुसाहट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विस्परिंग। क्या कहते हैं? विस्परिंग। तो देखो भैया, विस्परिंग लिख लो, फुसफुसाहट को इंग्लिश में लिख लो भैया विस्परिंग। देखो फुसफुसाहट से जो होता है 15 से 20 डेसिबल सामान्य बातचीत से अगर देखेंगे तो 30 to 60 डेसिबल। वैसे अगर बच्चे आपने इसके पहले का पार्ट देखा होता तो आप बहुत आराम से इसका जवाब देते, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ तक ऑर्केस्ट्रा का भी बताया हूँ, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ट्रेन चलती है डेसिबल क्या होता है, यहाँ तक आपको बताया कि शादी की पहली रात में जब बातें होती हैं तो उसमें जो बातें होती हैं उसका कितना होता है, वो भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसका भी बताया हुआ, तो इसको भी आप नोट करते चलिए। फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल, सामान्य बातचीत 30 to 60 डेसिबल, और अगर इसी में हम बात कर लें, आपसे पूछा जाए तेज आवाज से बातचीत करने पर, जैसे आप देखते होंगे बीवी को डांटेंगे, पता नहीं कैसे खाना बनाती है, मजा नहीं आ रहा है, या जरूरी नहीं कि बीबी को आप ही डांटते हो, बीबी भी आपको डांट सकती है, तो जमाना उल्टा है ना, पता नहीं कैसे कपड़े धोता है, कितनी बार कहा कि अच्छे से कपड़ा धुला कर। तो भैया
तेजी से चिल्लाएगी। ऐसी स्थिति में आप नोट कर लो, तेजी से चिल्लाने में यानी तेजी से बातचीत करने में, किसे तेजी से बातचीत करने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूं आपको, 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो इसको सामान्य बातचीत कहते हैं, सामान्य बातचीत लगभग 30 डेसिबल होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति के बारे में कह रहा है। पराश्रव्य ध्वनियां कहने का मतलब है अल्ट्रासोनिक साउंड्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कितना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य सामान्यतः उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के मध्य सामान्य होती है। कुछ जीव जैसे मैं बात करूं वेल, कुत्ता आदि पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। यानी पराश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इनकी ध्वनियों को कौन सुन सकता है, व्हेल मछली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बात करें कि एक मनुष्य जो होता है सामान्यतः कितना सुन सकता है, तो आपको बताना चाहूँगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के मध्य, यानी इसके मध्य की बात जो होगी वह मनुष्य सुन सकता है, अदरवाइज जो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन पे आऊँ, थोड़ा सा पिछले वाले प्रश्न पर भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया है, ख्याल के रूप में आ गया है, तो मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। जैसे अगर आपसे मान लीजिए ये क्वेश्चन कह देता, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि, बताइए बताइए कारण। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति आपस में बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आप साथ में उतर जाइए दो लोग और कहिए, और भैया फलाने फलाने को कुछ सुनाई देगा नहीं, अंतरात्मा दिल से बोल दीजिए, दिल से दिल सुन जाए, वो बात अपने स्थान की है, लेकिन आवाज से आप सोचेंगे कि सुन लेगा हमारा साथी, तो सुनने वाला नहीं है। क्यों भैया, ऐसा कारण क्या है। तो इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति यानी वायुमंडल ही नहीं है। अब भैया वायुमंडल ही नहीं तो सुनोगे कहाँ से, समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न कह रहा है, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक, यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है नैदानिक, और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं, ये वास्तव में हैं। पहले तो आप ये समझो भैया, आधुनिक आयुर्विज्ञान क्या दिया है, आधुनिक आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान को कहते हैं मेडिकल साइंस, क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस, ये तो आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं, ये वास्तव में हैं। भैया मैं बताना चाहूंगा, निदान लिखते चलिए, निदान का मतलब होता है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डायग्नोसिस, क्या होता है डायग्नोसिस, तथा उपचार का मतलब क्या होता है, जैसे दवा कराते हैं आप क्या करते हैं ट्रीटमेंट। तो देखो निदान, डायग्नोसिस, उपचार, ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाने वाली नाभिकीय औषधियां वास्तव में विभिन्न तत्वों के रेडियो सक्रिय समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। क्या है भैया,
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। यहां से तो आपको आंसर मिल गया कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। अब देखो इनका प्रयोग क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। इनके प्रयोग से मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। प्रयोग जान जाओ भैया, प्रयोग प्रयोग क्या होगा, मानव शरीर में ट्यूमर ट्यूमर का पता लगाया जाता है किसके प्रयोग से, रेडियो आइसोटोप से यानी रेडियो सक्रिय समस्थानिक से। अब ये ट्यूमर क्या होता है आपको पता है, इसी से कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं तथा मस्तिष्क के ट्यूमर को नष्ट भी किया जाता है। क्या किया जाता है, नष्ट भी किया जाता है। यानी आपको आंसर समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सी होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपका इसी प्रश्न के ही साथ है। जैसे आपसे कहा जाए कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, बहुत बार पूछा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ है भैया, तारापुर परमाणु ऊर्जा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। ये कहाँ है, तो भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका संचालन वर्ष अगर देखें तो ये इसका संचालन कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। इसकी स्थापना भारत अमेरिका तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मध्य हुए 123 समझौते समझौते के अंतर्गत अमेरिका के सहयोग से की गई थी। यानी आपको समझ में आ गया, क्योंकि किसी बच्चे ने हमारे कहा था कि सर क्वेश्चंस कुछ बढ़ाइए, तो हमने तो 10 क्वेश्चंस का ये सीरीज आपसे वादा किया है, इसीलिए 10 प्रश्नों के साथ मैं कोशिश करता हूं कि और एक दो प्रश्न जो आपके बन सकते हैं उससे रिलेटेड उनको निकालने का प्रयास करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 10th, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया, कौन से नियम की बात किया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की। देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, यहां पर तो केवल न्यूटन दिया है, न्यूटन ही मान लेते हैं, लेकिन आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, वैसे नाम पूरा लिख लीजिए, सर आइजैक न्यूटन। कहाँ के निवासी थे भैया ये, इंग्लैंड के। क्या किया इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। अब ये नियम क्या कहता है, द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो उसे गुरुत्व ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी कब कहा जाएगा, यदि बल यानी जो बल मिला, यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर यानी किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा हो तो उसी को गुरुत्व ग्रेविटी कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है यानी उनके प्रोपोर्शन होता है तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सन प्रोपोर्शनल होता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने न्यूमेरिकल में पूछा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है मेरे कुछ विद्वान साथियों को पता होगा, जो हमने आपको पढ़ाया भी है, पहले भी पढ़ाया है, आपको पढ़ा है तो आप कमेंट करके उसको बताइए कि कैसे हम इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, इससे लगा हुआ एक दो प्रश्न मैं आपसे और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नाम आपको दिखा, एक वर्ड दिखा, गुरुत्वीय गुरुत्व ग्रेविटी दिखा, तो उसी ग्रेविटी से निकल के आता है गुरुत्वीय त्वरण।
क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी जो वैल्यू होती कभी कभी पूछा जाता है, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर डैश सेकेंड होता है, मीटर सेकेंड ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र की सतह की दूरी के कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम हो जाता है। तो आप यही से जान जाइए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में एक सेकेंड में जितनी वृद्धि होती है उससे या वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अच्छा, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपसे जैसे कहा जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रतम या तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिक होती है। अगर पृथ्वी पर बात करें गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, तो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड जो काम करती है वो ध्रुवों पर करती है, पोलर्स, पोलों पर, कहाँ पर, ध्रुवों पर करता है। उसका कारण भी है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों को ऐसे समझते हुए चलिए, अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या होगी, तो अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, जैसे फेंक दोगे उसी तरीके से वो भी चलती रहेगी, चलती रहेगी यानी दौड़ती रहेगी, आपके साथ साथ दौड़ती रहेगी, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे क्या होगा, दौड़ती रहेगी। अच्छा, एक और प्रश्न, वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है वायुमंडल का पृथ्वी से जुड़ा रहने का, लिख लो भैया, नोट कर लो, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का पृथ्वी से जुड़ा रहने का सबसे बड़ा कारण जो है मेरे दोस्त, वो है पृथ्वी का गुरुत्व, यानी किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वह क्या होता है, जुड़ा रहता है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और ले लेता हूँ अंतिम, अगर आपसे कहा जाए कि भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल कितना होता है, भू स्थिर उपग्रह कहने का मतलब क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, जो कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं, ये उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व में ही गति करते हैं और 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं, इसीलिए ये पृथ्वी से परिवेक्षण, जिसको हम ऑब्जर्व कहते हैं, किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। तो यानी आपसे क्वेश्चन अगर कहा जाए भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल कितना होता है, 24 आवर्स, कितना, 24 आवर्स यानी 24 घंटे होते हैं। वेरी गुड, चलिए आज के प्रश्न पर चलते हैं, उसके पहले कल का प्रश्न जिसका जवाब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया था, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो जिसने इस प्रश्न का जवाब सही दिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत चुंबकीय, किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होता, सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। चलिए बढ़ जाते हैं आज की प्रश्न की तरफ, आज का प्रश्न एक नए अंदाज में आपके सामने आया हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न पर गौर करिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम बताइए। आप अक्सर देखते हैं फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, इसका एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, उसी सूत्र को आपको बताना है। कैसे बताएंगे भैया आप,
कमेंट के माध्यम से आपका कमेंट पहुंचेगा एसपी शुक्ला एजुकेट पर और उसका जवाब हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में कि आपने सही जवाब दिया था या नहीं। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 40.16 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस, 35.72 डिग्री सेल्सियस, 32.36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस होना तो ये था, सब में थोड़ा सा छूट चुका है, आप उसको समझ लीजिएगा। बिल्कुल आशा करता हूँ कि आज के पार्ट को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए मित्र तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी भी चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।